संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं जो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हुई थी वो आपके साथ ना हो। तो एक एक शब्द की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। पाणिनि शिक्षा में हमने भूमिका के रूप में थोड़ी सी बातें जानी थी और एक श्लोक के माध्यम से उसको जानने का प्रयास किया था। आज हम थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ते हैं और लगभग 6 वीडियो में पाणिनि शिक्षा संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। उसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, संपूर्ण समझाएंगे, श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे जैसे हम समझाते ही हैं, कोशिश करते हैं। तो सीधे हम पाणिनि शिक्षा पर चलते हैं। पाणिनीय शिक्षा, इसमें हमने कुछ बताया था ऐसे कि ध्वनि से संबंधित है, अर्थात ये स्वरों की व्यवस्था देता है, व्यंजनों की व्यवस्था देता है, अर्थात वर्णों की व्यवस्था देता है। स्वर और व्यंजन मिलकर के वर्ण उनको कहलाते हैं, वो अक्षर भी बोलते हैं। अक्षर क्यों कहते हैं उनको? नाक्षरति इति अक्षरा। थोड़ी सी दो चर्चा करेंगे बस आज केवल, फिर उसके बाद सीधे उन पर चलेंगे, एक वर्ण पर और एक अक्षर पर, क्योंकि इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें पूरे में। तो इनको जान लेते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण तीन चार चीजें हैं, रंग को भी बोलते हैं, जाति को भी बोलते हैं और अक्षर को भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि रंग जो होते हैं, एक बार जो रंग चढ़ जाए, वैसे नीला और काला जो बोलते हैं उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ पाता। हमारे यहां वर्ग बांटे गए, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये वर्ग के अंतर्गत आते हैं, वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ण का तात्पर्य होता है जो जम जाए, जहां फिर दूसरा उसके ऊपर ना व्यवस्था बन पाए। वर्ग क्या होता है? वर्ग में अंतर आ जाता है, वर्ग को बदला जा सकता है लेकिन वर्ण को बदला नहीं जा सकता, अर्थात जो स्थिर हो जाता है। इसलिए वर्ण अक्षर का पर्यायवाची बन गया। अक्षर का मतलब ये होता है नाक्षरति इति अक्षरा, जिसका क्षरण ना हो तो वो अक्षर कहलाते हैं। इसी तरह एक नक्षत्र शब्द भी होता है, नक्षत्र के लिए भी यही व्याख्या दी गई है, जिसका क्षरण ना हो, नाक्षरति इति अक्षरा और नक्षत्र दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। तो वर्ण और अक्षर की चर्चा की जा रही है, जिसको एक बार यदि मान लीजिए आ है, आ का आप तोड़ नहीं सकते, उसको क्षण नहीं कर सकते, आ तो आ ही रहेगा। क है, क, तो ये वर्ण या अक्षर इनको मान सकते हैं। जाति में भी ऐसा ही होता है, एक बार जाति जो बन जाती है हिंदुस्तान में तो लाख कोशिश कर ले जाति बदलती नहीं है। इसका उदाहरण सबसे बड़ा हमारे इतिहास में मिल जाएगा, विश्वामित्र जी का। 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी, क्षत्रिय थे, ब्रह्मवेत्ता बनने के लिए। अब वो बने या ना बने, आज भी हम जानते हैं वो क्षत्रिय थे, बन जाते तो नहीं जानते। कोशिशें ऐसी ही रहती हैं। अगर थोड़ा सा जैन धर्म में भी चले जाएंगे, बेशक वो नहीं मानते इन चीजों को, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ व्यवस्था अवश्य रहती है। वर्ण ना सही तो वहां भी एक व्यवस्था है, आपको शायद पता होगा। जैन जो थे, महावीर जैन थे, उन्होंने कहा था कि पत्थर को भी मोक्ष मिल सकता है, पेड़ पौधे तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनकी परंपरा कुछ और ही कहती है। कहते तो वो कुछ और हैं और परंपरा कुछ और ही कहती है। एक मल्लीनाथ नाम सुना होगा आपने, मल्लीनाथ स्त्री थे, लेकिन वो क्योंकि पुरुष परंपरा से चली आ रही थी, 24 तीर्थंकर में केवल एक ही स्त्री थी जो जैन मतलब वो बुद्धत्व को प्राप्त होती। इसमें बुद्धत्व शब्द बुद्ध से शब्द नहीं बना, ये कभी कभी भ्रम हो जाता है कि बुद्धत्व का मतलब जो बुद्ध है, नहीं, बुद्धत्व का मतलब जो चैतन्य हो गया, जिसका चेतनी चेतना जाग चुकी है, चैतन्य हो गया, उसका मतलब बुद्धत्व। तो यहां ये मल्लीनाथ जो थी वो स्त्री थी, लेकिन उनकी परंपरा कहती है पत्थर को भी मोक्ष मिल सकता है। यहां मल्लीनाथ भी जागृत हो गई, जागृत महिला हो गई, लेकिन उनकी परंपरा ने नहीं माना कि स्त्री को और ज्ञान नहीं, ये संभव नहीं है, तो उनको पुरुष ही बना डाला।
तो चीजें कुछ और होती हैं, दिखाया कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वर्ण की और अक्षर की आज हम चर्चा करेंगे। ये तो खैर इतिहास में चला जाते हैं कभी कभी दर्शन में। तो वर्ण और अक्षर ये दिमाग में बिठा लिए, ये जमे हुए हैं, इनका कभी क्षण नहीं होता, जो है सो है। ठीक है, चलिए दो तीन मैं यहां आपको श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। श्लोक लिख लेते हैं फिर बाद में चर्चा करते चलेंगे। स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शा नाम पंचविंशति। स्वराविंशति रेकश्च स्पर्शा नाम पंचविंशति। यादयश्च स्मृता यष्टौ। चत्वारः चत्वारश्च। यमा स्मृता। ठीक है, आगे बहुत बोला गया है, थोड़ा लिख दूं। कभी कभी ये हो जाता है कि समझाते समझाते कुछ चीजें छूट जाती हैं, इसलिए लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे। आपको मैं इसलिए लिखता हूं एक एक चीजें, हालांकि इनको पहले भी लिखा जा सकता है, जिससे कि मैं एक एक अगर लिख रहा हूं तो आपको धीमे धीमे जो वीडियो देख रहे हैं तो एक एक चीज याद होती चली जाए धीरे धीरे। मस्तिष्क जो है एक पे ही काम करता है, सभी पे काम नहीं करता, इसलिए एक एक श्लोक लिखने का प्रयास करता हूं। अनुस्वारो विसर्गश्च कपौ चापि पराश्रितौ। दुहि स्पृष्टश्च चेति विज्ञेयो ऋकार पुलित एव च। ठीक है, ये सभी वर्ण हो गए, अक्षर हो गए इन दो श्लोकों में। प्रथम श्लोक ये है और द्वितीय है, दो श्लोक हो गए ये। आगे अब इनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि शिक्षा वर्णों की भी चर्चा करता है और उनके उच्चारण स्थान की भी बात करता है। दो चीजें जानी थी मूल में, मूल भाषा में, इसलिए मैंने उसको पहले से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि जब तक मूल चीज समझ नहीं आती हम आगे उसमें चर्चा नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने वर्णों की चर्चा कर दी, पाणि शिक्षा में वर्णों की व्यवस्था दे दी पूरी, अब इसके उच्चारण की व्यवस्था। हालांकि इसमें श्लोक बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और यदि आपको बहुत गहनतम अध्ययन करना है तो आपको पुस्तक से अध्ययन करना पड़ेगा, यहां संभव नहीं है। 60 श्लोक हैं इसमें, 60 नहीं समझा पाएंगे, यहां 15-20 की कोशिश करेंगे आपको समझाना, ज्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत। मुख्य मुख्य जो परीक्षाओं में आते हैं, स्वरतः कालतः स्थानात प्रयत्नान प्रदानतः। स्वरता कालता स्थानात प्रयत्नान प्रदानतः। इति वर्णविदः प्राहुर निपुणं तत्पुरुषम्।
निबोधत। अगला है उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरस्त्रयः। रस्सो दीर्घः इति कालतो नियमोचित। ये इनके बारे में हो गया कि कहां कहां से ये उच्चरित होते हैं, उनके स्थान वगैरह हो गए। एक इसमें श्लोक और ले लेते हैं, थोड़ा सा संगीत से संबंधित है। उदात्ते निषाद, उदात्ते निषाद गंध, अनुदात्त निषाद गंध, ऋषभ उदात्ते निषाद गांधार अनुदात्त ऋषभ दैवत स्वरितश्च स्वरित प्रभा प्रभावा। षडज मध्यम पंचमा, ठीक है। अब एक बार और पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं है, गलती होगी तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। स्वराविंशति एकश्च स्पर्शानां पंचविंशति, इसको थोड़ा सा राम गाएंगे तो याद हो जाएगा। यादयश्च स्मृता यष्टौ चत्वारश्च इमा स्मृतः, अनुस्वारो विसर्गश्च कप्पौ चापि पराश्रितौ, दुहि स्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लृकारः प्लुतो एव च, स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयतनानुप्रदानतः, इति वणविदः प्राहुर् निपुणं तन्निबोधत्। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरस्त्रियः, ह्रस्वो दीर्घः प्लितो इति कालतो नियमो अचि। उदात्ते निषाद गांधार गांधार अनुदात्त ऋषभ दैवत स्वरत प्रभवा स्वरत प्रभवा हेते षडज मध्यम पंचमा। ये इस तरह से हैं और इनको हमने लगभग पहले भी समझा दिया है। शायद स्वर प्रक्रिया में संज्ञा प्रकरण जिसको बोलते हैं उसमें ये बताने का हमने प्रयास किया है और उसमें भी देख सकते हैं जा करके, ठीक है। अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। स्वर इसमें सीधे कहा गया है कि स्वर कितने हैं, विंशति एकश्च, अर्थात विंशति और एक, 21 स्वर हैं ना। कितने स्वर हैं, 21 स्वर हैं। कैसे हैं, साधारण तो होते ही है स्वर आ ई ऊ री ली ए ओ आई औ। अब इनके फिरस ह्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इस तरह से बटने के बाद ये 21 प्रकार के हो जाते हैं। अब मैं इसको पूरा विस्तृत में नहीं समझाऊं आपको क्योंकि मैं इनको पहले से समझा चुका हूं। आप संज्ञा प्रकरण में जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में
और मैं कोशिश करूंगा उसको आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, और उसके जैसे ही आप वीडियो चलाएंगे अंतिम में तो उसके फ्रंट पे ही वीडियो आ जाए, कोशिश करूंगा ऐसे डालने का। तो ये 21 स्वर हैं, ठीक है। एक विंशति यानी कि विंशति एकस्य 21 स्वर हैं। स्पर्शानाम पंचविंशति, और स्पर्श कितने हैं? पंचविंशति अर्थात 25। 25 कितने हैं? 20 और 5 25 स्पर्श। स्पर्श के बारे में हमने 3-4 तरीके से देखा है, क्योंकि ध्वनि विज्ञान प्रातिशाख्य भी है, उसमें भी जाना है स्पर्श का आदि मावशान स्पर्शा, व्याकरण से भी जानने का प्रयास किया। आप कहीं भी जाएं प्रातिशाख्य में चले जाएं वहां पर भी आपको मिल जाएगा स्पर्श व्यंजनों के बारे में। व्याकरण में संज्ञा प्रकरण में चले जाएं तो वहां भी हमने पूरा समझाया है इसको स्पर्श के बारे में। तो का से लेकर के मा तक जो वर्ण है अर्थात उदित जिसको बोलते हैं को चो टो तो पो, इनके पांचों वर्ग में क ख ग घ ङ च छ ज ञ टाठा डाना तथा धन, इस तरह से जो कहलाने वो वर्ण है वो सब स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। स्पर्शा नाम पंचविंशति अर्थात स्पर्श कहलाते हैं वो, ठीक है। यादयश्च स्मृताह्यष्टौ चत्वारा यमा स्मृतः। यादया या आदि इस तरह से है, क्या बोला गया है थोड़ा जान लो। या इसके बारे में हमने प्रातिशाख्य में भी जाना है और संज्ञा प्रकरण में भी जाना है। या आदि अष्टौ यानी 8 हैं। या आदि कौन से हैं? या वा रा ला चार हो गए, शा शा सा हा चार हो गए, 8 हो गए। तो इनके लिए याद बोला गया। अरे अंतस्थ और ऊष्म जो व्यंजन हैं उनके लिए याद या स्मृतः बोला गया है, अर्थात उन 8 को या आदि 8 जानिए अर्थात 8 को स्मरण रखिए, ये इनका कहना है। यादि कौन है? तो यादि हमने जान लिया या वाराला शा सा सा हा, ठीक। आगे है, अब मैं यहां पे थोड़ा सा लिख नहीं रहा हूं, कारण है अब बोल रहा हूं तो उसको धीमे धीमे करके आप पुश करके भी इसको लिख सकते हैं, नहीं तो संज्ञा प्रकरण में पूरा लिखा है मैंने, इसलिए हमें लिख नहीं रहा हूं। मेरा तो केवल यहां पर पाणिनि शिक्षा में है क्या ये भ्रम बना हुआ है, बस उस भ्रम को तोड़ना है। हालांकि हमने अध्ययन तो सब किया है लेकिन कुछ चीजें हैं जो छूट गई हैं, बस उसको मैं विस्तृत में समझाने का प्रयास कर रहा हूं श्लोक के माध्यम से, जैसा पाणिनि शिक्षा में दे रखा है वैसा, ठीक है। तो यादयश्च स्मृतः यस्तौ चत्वारश्च यमा स्मृतः अर्थात यम 4 हैं। अब यम 4 हैं लेकिन प्रातिशाख्य में 20 माने गए हैं। अब हैं क्या यम थोड़ा सा जान लो। जो वर्ण हैं ये जो वर्ग हैं क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये इनमें 5-5 होते हैं। क ख ग ङ च छ ज ञ ट ठ ड ण त थ द न प फ व भ म, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपके। अब जो अंतिम वर्ण है ये वाले, ये जब भी जो शुरू में 4 बचे क ख ग घ, मैं इनको भी बहुत अच्छे समझाया है, कुछ भी चीज छोड़ी नहीं है। आप अगर जाएंगे प्ले लिस्ट में तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, संज्ञा प्रकरण का विषय है ये। ये जो 4 वर्ण हैं यदि इनके बाद ये अपने वर्ण का ये वाला अक्षर आ जाए तो ये 4 वर्ण यम कहलाते हैं। इनसे पहले अभी 4 आ जाएंगे का खा गा गा जो भी आ जाएगा वो यम हो जाएगा अपने आप में। तो इसके अनुसार तो ये 4 ही होते हैं यम, ठीक है, लेकिन प्रातिशाख्य कहता है नहीं 20 होते हैं। उन्होंने क्या किया है कि चा छा जा जाइया टा ठा डा ढा ता था दा धा पा फा बा भा, ये 4-4 और ले लिए हैं। तो 4-4 8, 8-4 12, 4-5 20, सीधे सीधे प्रत्येक का 4-4 ले लिया है। अंतिम वर्ण होना चाहिए उसके पहले के जो भी वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन वो यम हो जाते हैं। अब समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, एक परिभाषा और दो इसमें थोड़ा सा। अनुनासिक वर्ण यदि हो और उनसे पहले अपने ही वर्ग का या किसी वर्ग का हो, कोई मतलब नहीं उसका, वो पहला जो वर्ण हो जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं वो यम हो जाते हैं, अपने आप से हो जाते हैं। इसलिए इसके अनुसार तो 4 ही है क्योंकि एक वर्ग का गिनाया है इन्होंने, गलत कोई नहीं है, याद रखना गलत कोई नहीं है। यदि प्रातिशाख्य के अनुसार आया तो आपको 20 का प्रयोग करना है और इसके अनुसार आ जाए तो
तो चार का प्रयोग करना, क्योंकि इसमें साफ साफ कह रहे हैं ये चार, ठीक है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल एक वर्ग को गिना है, प्रातशाख में पूरे वर्ग को ही गिन लिया है। और यम के मैंने उदाहरण भी दिए हैं, यम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, वो आप जाकर के उसी में देख लेना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अनुस्वारो विसर्गश्च कपौ चापि पराश्रितौ। अनुस्वार और विसर्ग 25 ये हो गए, 8 ये हो गए, यम 8 हो गए और 4 यम हो गए, ठीक है। एक अनुस्वार हो गया, अनुस्वार कितना हो गया एक, और विसर्ग, विसर्ग के बारे में थोड़ी जानकारी लेते चले, विसर्ग है क्या। विसर्ग के पूरा आगे चल करके एक पूरा श्लोक ही आएगा, क्योंकि विसर्ग के बहुत रूप बदल जाते हैं। विसृजते अनेन वाक्यम अनेन इति विसर्ग, इस तरह से बोला गया है, यानी कि जो वाक्य में सर्जना यानी सजा दे वाक्य को, वो विसर्ग कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं विसर्ग ही तो है, विसर्गश्च, विसर्ग के बाद में विसर्ग है, ये विसर्ग जो शब्द लिखा हुआ है इसके बाद में यहां पर विसर्ग ही तो है, उसी को तो शाह हुआ है। तो विसर्ग का कभी शाह हो जाता है, कभी सा हो जाता है, कभी शाह हो जाता है, कभी ओ हो जाता है, इस तरह से हमने बहुत अच्छे से जाना है, कभी हा हो जाता, बहुत सारे इसको रूप बदल जाते हैं। तो इसके बारे में अगला जब आएंगी जो वीडियो आएंगी अगली वाली, तो उसमें हम इसको पूरा विस्तृत में समझाएंगे। तो विसर्ग हो गया एक, कपौ चापी क खा और पा फा, ये है। क खा मतलब जिह्वा मूल और उपध्वमानीय। जिह्वा मूल किसे कहते हैं? का और खा से पहले अर्ध विसर्ग, ये अर्ध विसर्ग होते हैं, इसको जान लो। ये जो है ये इसकी तरह होता है, ये का बना हुआ है मान लीजिए। तो अब इसमें क्या किया, ऊपर से हटा दिया इसको और इसको नीचे से हटा दिया, तो ये बन गया अर्ध विसर्ग। तो ये बन गया, क्या बन गया, अर्ध विसर्ग। ऐसे ही खा, खा को पूरा लिख लो, ठीक है, इसको ऊपर से मिटाओ, इसको नीचे से मिटाओ, ये भी बन गया अर्ध। तो अर्ध विसर्ग जैसे चिन्ह जिनके पहले लगे हों का और खा, तो वो जिह्वा मूल हो जाते हैं। यदि वही चिन्ह पा और फा से पूर्व में लगे हों तो उपध्वमानीय वो कहलाते हैं, ठीक है। तो एक एक ये हो गए। अब बचता है दु स्पृष्ट चेति विज्ञो लृकार प्लित ए बचा, मतलब दुह स्पृष्ट नाम है इसका, दुह स्पृष्ट, दुष्प्रष्ट, ये दरअसल इस तरह से बनता है, ये आठ की तरह, कभी इसमें ये बनाने नहीं आ रहा सही से, यदि इसको ऐसे कर लिया जाए तो इस तरह से ऐसी कुछ बन जाता है, ठीक है। तो डा की तरह, डा होता है, हालांकि ये डकार की आवाज आवाज की तरह इनका प्रयोग किया जाता है, तो इसको बड़ी मुश्किल से उच्चरित किया जाता है, इसलिए इसको दुष्प्रष्ट बोला जाता है। पड़ा हुआ आठ एक तरह से ऐसे मानिए, है ना, इसको ऊपर से ऐसे खिंच जाती है लाइन, इस तरह से बनता है ये। तो दुह स्पष्ट है, तो इसको इसलिए बोला गया, बड़ी मुश्किल से बोला जाता है। तो अब लकार बचा हमारा, लकार ह्रस्व तो होता है, इसका दीर्घ नहीं होता, ये हमने वैसे भी जाना है संज्ञा प्रकरण में। इसका प्लुत ए बचा, प्लुत भी होता है, ठीक है। अब प्लुत जैसे ही बन जाएगा तो 64 अक्षर हो जाएंगे, और यदि प्लुत को हटा दिया जाए ना माना जाए तो 63 अक्षर रहेंगे, ठीक है। इस तरह से ये वर्णों की इसमें व्यवस्था दी गई है। अब चलते हैं इनके कालों पर, मैं इनकी संख्या भी नहीं बता रहा हूं आपको, आपको विस्तृत में जानना होगा, तो मेरी पहली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि समय को बर्बाद यहां नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें रह जाएंगी, आप जाकर के पहली वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने वर्ण से संबंधित बनाई है, दो प्रकार की वीडियो है, दो प्रकार से समझाया है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार और पाणिनि व्याकरण के अनुसार, क्योंकि दोनों ही पाणिनि जी की रचना है, इसलिए उनको तुलना की गई है। अब आते हैं स्वरतः कालतः स्थानात्
प्रयत्नान अनुप्रदानता, अर्थात जो वर्ण है वो स्वर से, काल स्वर काल स्थानात प्रयत्न, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। अनुप्रदानता अर्थात एक दो तीन चार पांच, इति वर्ण विद प्राहु निपुणम तन्निबोधत। प्राहु निपुणम, जो वर्ण विद हैं, अक्षरों के वेत्ता हैं, उन्होंने ये स्थान इनके बताए हैं, अर्थात इन जो अक्षर दिए रखे हैं उनको बोलेंगे कैसे, उनको विभाग कैसे किया गया है। तो स्वर के हिसाब से विभाग किया गया है, काल के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, प्रयत्न के हिसाब से। तो इसके बारे में भी बहुत विस्तृत से हमने संग्रह प्रकरण में समझा रखा है, उसमें जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। मैंने बताया था ये श्लोक मैंने बड़े अच्छे समझाने का वहां प्रयास किया है। तो यहां तक मैं केवल आपको फिर बता दूं एक बात कि यहां पर मैं केवल इसलिए पाणिनि शिक्षा को बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि लोगों को भ्रम बना हुआ है कि पाणिनि शिक्षा है क्या, उसमें है क्या चीज, उसमें कुछ नहीं है, बस ये श्लोकों के माध्यम से उन्हीं को समझाया गया है जो हम पहले से समझ चुके हैं, ठीक है। स्थानात प्रयत्न, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, इस तरह से ये पांच भाग हो गए इसके। चलिए अब बात आती है कि स्वर क्या है, काल क्या है, स्थान क्या है, आभ्यंतर, ये सब जाने हैं लेकिन इस श्लोक के माध्यम से और जान लेते हैं। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरतश्च स्वरस्त्रिया, उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरत्रिया, अर्थात जो स्वर हैं वो तीन प्रकार के हो जाते हैं, कौन से, उदात्त अनुदात्त। अब कभी कभी पूछ लिया था कि स्वर कितने हैं तो समस्या हो जाती है, हम स्वर नौ गिनने लग जाते हैं पाणिनि के अनुसार, जो अच बोले गए हैं उनको हम नौ उदात्त, अब उदात्त अनुदात्त नहीं याद रहते हमें, तो स्वर यहां पर तीन है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, मात्र तीन ही स्वर है, स्वरस्त्रिया, ठीक है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि स्वर तीन है। आगे बोल रहे हैं हिरस्व दीर्घ पिलतो इति काल तो नियमाची, अर्थात काल, काल के अनुसार, समय के अनुसार, काल यहां मतलब समय के अनुसार वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है, हिरस्व दीर्घ पिलित, ये भी बड़े अच्छे समझाया है मैंने, फिर एक बार और समझा देता हूं। हिरस्व का मतलब, इसमें एक श्लोक भी आता है शायद आपको याद होगा अगर वीडियो देखी हो तो, एक मात्रो भवे हिरस्व दुई मात्रे दीर्घ उच्चते त्रिमात्रस्तु प्लितो गेयो व्यंजनम चा अर्धमात्रम, इस तरह से बोला गया है। एक मात्रो यानी एक मात्रा जिसमें प्रयोग किया जाए, मात्रा का मतलब, मात्रा का मतलब समय, मात्रा का मतलब अब कोई भोजन कर रहा है तो वह मात्रा किलो में तोली जाएगी या गिनतियों में देखा जाएगा, कोई किसी को अनाज दे रहा है तो हम कितनी मात्रा में अनाज देना है तो वह किलो के हिसाब से देखा जाएगा, अब किसी को दूध देना है कितनी मात्रा में दूध देना है तो उसको गिलास से या लीटर से नापा जाएगा, तो मात्रक अलग अलग, विज्ञान में चले जाएंगे तो सभी के मूल मात्रक दे रखे हैं, व्युत्पन्न मात्रक दे रखे हैं, तो मात्रा मतलब मात्रा शब्द से ही मात्रक बना, ठीक, समय से, मात्रा मतलब जो जिसमें नापा जाए, तो जो स्वर है, जो व्यंजन है या वर्ण है वो नापे किसमें जाएंगे, तो इन्होंने समय में नापा है। एक मात्रो भवित रसो, जिसमें एक मात्रा का समय लगा, अर्थात पलक झपकने में जितना समय लगता है एक में, वो एक मात्रा का समय दर्शाया गया है। दुई मात्रो प्लितोगेयो, दुई मात्रो दीर्घ उच्चते, यानी कि पलक को दो बार झपकने में जितना समय लगता है वो दीर्घ स्वरों को उच्चारण करने में उतना ही समय लगना चाहिए, अर्थात उनको दीर्घ बोला जाता है। पुलित तीन, पुलित के लिए समय क्या है, तीन बार पलक झपकना या इससे अधिक बार, इसको खींच भी सकते हैं, इसीलिए मोर जो बोलता है, मोर नहीं क्या नाम उसका, मुर्गा जिसको बोलता है वो तीनों वचनों, तीनों को हिरस्व दीर्घ और पुलित एक साथ बोलता है, कुकड़ू कु 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 सीधा ले जाता है खींचते हुए, तो हमें मुर्गे से ये चीज जाननी चाहिए। चलिए जानवर पक्षियों में चले जाते हैं कभी कभी, और इसमें आपको बताता चलो आगे की जो श्लोक आएंगे वो सारे पक्षियों से व्यवस्था दी गई है इसमें कि कौन पक्षी कैसे बोलता है, और इस बार प्रश्न पत्र में भी आया था आपका, उठा करके देखेंगे इस बार नेट का, तो उस प्रश्न पत्र में भी आया है इसमें से एक प्रश्न कि कौन सा पक्षी किस रूप में बोलता है। तो काल के हिसाब से हम जान लिए हिरस्व दीर्घ पुलित,
व्यंजन के बारे में चर्चा की गई है, अर्धमात्रम यानी व्यंजन की आधी मात्रा होती है, इसको कैसे उच्चरित किया जाए, इसलिए तो अटक जाते हैं, इसलिए व्यंजनों के साथ स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसका उच्चरित नहीं, उच्चारण नहीं कर सकते हम, इसको बोलेंगे बोल अटक जाएगा, आगे बोल ही नहीं पाएंगे, आवाज ही नहीं निकल पाएगी, इसलिए व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए ये तो हो गई इनकी चर्चा, जो हमने जानी थी कि वर्णों की बात करते हैं और उच्चारण की बात करते हैं, कौन कहां से बोला जाए। आगे है, अब थोड़ी सी हम संगीत में चलते हैं, ये क्रम से श्लोक है, यहां से दो तो ये क्रम से हैं, उसके बाद में फिर फालतू की बातें थी जो शायद परीक्षा में आती या ना आती, उसके बाद ये क्रम से हैं। हमने सारे गामा पा ये जब जाने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी, ये हैं एक दो तीन चार पांच छः सात स्वर हैं, ठीक है। अब सात स्वरों का जब अध्ययन करते हैं तो इनको उच्चरित कैसे किया जाए, इसलिए यहां पर यह दिया है श्लोक, इसी से संबंध दिया है, हालांकि ये थोड़ा सा अलग हटके विषय है, लेकिन कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। उदात्ते निषाद गांधारो, अर्थात निषाद नि और गा, ये जब भी बोले जाएंगे वो उदात्त स्वर में बोले जाएंगे। आगे है अनुदात्तश्च अनुदात्त ऋषभ दैवत, ऋषभ मतलब ऋ, धा, ये जो दो स्वर, ये सात स्वर माने जाते हैं संगीत के स्वर हैं, तो इसमें अनुदात्त में बोला जाएगा, बाद बाकी जो भी बचे चार हो गए, तीन बचे सा मा पा ये बचे, इनको षडज मध्यम पंचम, षडज मध्यम पंचम इस तरह से बोला जाएगा। तो ये कैसे बोले जाएंगे, स्वरित में बोले जाएंगे, अर्थात स्वरित में जो स्वर है, स्वरित स्वर हैं, उनके अनुसार बोले जाएंगे। अब ये है क्या उदात अनुदात, तो इसके लिए पाणिनि शिक्षा में भी सूत्र दे रखे हैं, उच्चैन उदात्त निच्चैन उदात्त समाहार स्वरत, इस तरह से दे रखे हैं। उदात जो ऊंचे स्वर में बोला जाए, अनुदात जो नीचे स्वर से बोला जाए, और स्वरित समाहार यानी ऊंचे और नीचे दोनों की अवस्था को सम करके बोला जाए वो स्वरित कहलाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि निषाद गांधार ऋषभ दैवत षडज मध्यम और पंचम, ये हमारे इसी से संगीत का निर्माण हो जाता है और हम इसमें पारंगत भी हो सकते हैं इन्हीं स्वरों के द्वारा। कभी मौका मिलेगा थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा, स्वरों से ही हृस्वदीर्घ प्लुत से ही इनकी व्यवस्था कर दी जाती है। एक चीज और यहां पर रह गई है, षडज का मतलब होता है जो छह स्थानों से उत्पन्न हो, जो शाह है स्थान, नासका है, दांत है, जेवा है, स्पर्श है, कंठ है, इस तरह से जो छह स्थान से उच्चरित हो, पंचम जो पांच स्थान से। अब ये दोनों जो बोले जाते हैं, कोकिल यानी कोयल जो होती है वो पंचम स्वर को बोलती है, इसको पा को पंचम स्वर को उच्चारण करती है, जब कोयल बोलती है, कोयल की आवाज सुनना वर से, तो पंचम स्वर के लिए बोलती है। और षडज जो बोलता है वो मोर उच्चरित करता है, मोर को अगर आवाज से सुनोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि षडज की ध्वनि यानी षडज स्वर को वो उच्चरित कर रहा है। ये छोटी सी बातें थी और इनमें ज्यादा कुछ नहीं है समझाने के लिए, इसलिए मैंने समझाने का प्रयास किया है, आशा करूंगा आपको ये अवश्य समझ में आएगा, एक दो बार जरूर देख लेना इसको, जिससे कि बातें साफ होती चली जाए। अगर आपके पास पुस्तक होगी तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।